आप सबको हर तरह का मैं ग्रीटिंग्स देना चाहती हूँ आज सुबह। तो सबसे पहले कविता से पहले मैं एक प्रार्थना करना चाहती हूँ माँ वीणा पाणी के लिए। वीणा पाणी अर्चना करूँ मैं ऐसा वर दे माँ, कंठ में हमारे सब तो वीणा की पुकार दे। मेरा नाम अर्चना है। इसी के साथ मैं प्रणाम करती हूँ माँ को, आप सबको, सभागण को। वीणा पाणी अर्चना करूँ मैं ऐसा वर दे माँ, कंठ में हमारे सप्त वीणा की पुकार दे। सोच बदलू जग की और सुविचार लाऊं, हृदयों में ज्वार लाऊं ऐसा उपहार दे। दुखी को दो मुस्कान, पीड़ितों को समाधान, और प्रेमियों के मन रसना उतार दे। लोग याद रखें हर सीख हर बात यहाँ, आज इस अंगना में ऐसा त्योहार दे। दोस्तों, आज बात हो रही है औरत के, नारी के अधिकार की। पर सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी, कौन सी नारी, किस नारी की हम बात कर रहे हैं? एक कुलवधु की, जो एक सभ्य घर में, संभ्रांत परिवार में इज्जत से रहती है, या एक नगर वधु की, जिसको कभी समाज ने, ईश्वर ने, किसी ने, हम में से किसी ने कभी इज्जत नहीं दी। लेकिन अगर वो समुदाय नहीं हो तो हमारे समाज का कैसा रूप आएगा, इसकी हम कामना कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। या वो है औरत जो दो चोटी बना के अभी घर से निकली है, नारीत्व की तरफ बढ़ रही है, वो भी एक औरत है। किसके अधिकार की बात कर रहे हैं हम, किसके? कुछ इसी भाव को मैं कविता में लेके आई हूं जो आपके सामने है। पूजा की है थाली, पूजा की है थाली, या कोठे पे बजी ताली है तू, दो चोटी में मुस्कुराती बेटी भोली भाली है। पूजा की है थाली या कोठे पे बजी ताली है तू, दो चोटी में मुस्कुराती बेटी भोली भाली है। कौन है तू बोल जरा देख, यहाँ आंख मिला काहे दया भीख मांगे बन के सवाली तू। तेरी कोख से जन्म में सारे ही विधाता, यहाँ अपने ही तेज से क्या हो गई है खाली तू। लाली नहीं काली बन, फूल नहीं माली बन, नहीं तो रहेगी बस गालियों में गाली तू, नहीं तो रहेगी बस गालियों में गाली तू। हर गाली माँ बहन की होती है, आज तक मैंने कभी नहीं सुना कोई बाप या भाई को कुछ कहता हो तो गालियों में गाली तू। अब एक उस पर्सपेक्टिव को, उस पर पहलू को मैं कहना चाहूंगी जो एक संभ्रांत घर से आई है, वो क्या पूछती है? उसे तो हर खुशी मिली है दुनिया की, उसे क्या गम क्या दुख हो सकता है? उसकी मनोवेदना एक प्रश्न के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ, शुद्ध हिंदी में प्रयास कर रही हूँ, लय के साथ, आशा है आपके दिल तक पहुंचेगी। रत्न जड़ित एक सभ्य वधु ने मुझसे पूछा था कभी, रत्न जड़ित एक सभ्य वधु ने मुझसे पूछा था कभी, मर्यादा के चक्रव्यूह में नारी का सम्मान क्या है? सब कहें मैं घर की देवी, मुझसे घर है दर है स्तर है, पर मेरी स्वाधीनता का अपने घर में स्थान क्या है? मर्यादा के चक्रव्यूह में नारी का सम्मान क्या है? शादी होती है, एक चुटकी भर सिंदूर सारा का सारा जीवन बदल देता है। अपने घर को भूल जाओ, नए घर को अपना लो, उनकी सेवा करो जिनको तुमने आज तक देखा भी नहीं, जिन्होंने तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं। समाज की मर्यादा, समाज के नियम, बस एक चुटकी भर सिंदूर। चुटकी भर सिंदूर के बदले सोच और संसार बदला, अपने तन पर अपने चयन पर अपना ही अधिकार बदला। खुद नहीं चुन 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 सकते कहाँ जाना है, कहाँ आना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, जीन्स नहीं साड़ी, स्कर्ट का जमाना गया, कुछ भी पहन, शादी के बाद ये आपके गहने हैं ये। चुटकी भर सिंदूर के बदले सोच और संसार बदला, अपने तन पर अपने चयन पर अपना ही अधिकार बदला।
चाह कर ना चाह कर भी। एक बहुत गूढ़ बात दो पंक्तियों में कहना चाहती हूँ, समझ पाए तो ठक से मुस्कुराइएगा बस। रेप ये सब किसे सिर्फ बाहर दिल्ली में नहीं होते हैं, हर घर में होते हैं, बंद कमरों में होते हैं, बंद खिड़कियों में होती हैं, लेकिन बात आती नहीं है, बात दब जाती है, दबा दी जाती है घर की आन के लिए, उन्हीं उसी भाव के लिए। चुटकी भर सिंदूर के बदले सोच और संसार बदला, अपने तन पर अपने चयन पर अपना ही अधिकार बदला। चाह कर ना चाह कर भी और कभी तो आह कर भी, ये समर्पण मान है तो देह का अपमान क्या है। मर्यादा के चक्रव्यूह में नारी का सम्मान क्या है, और मेरी स्वाधीनता का अपने घर में स्थान क्या है। ये बात हुई संभ्रांत कुलवधु की, जिसे सब कुछ मिला हुआ है लेकिन जिसे कुछ भी नहीं मिला जीवन में, जिसने सिर्फ दिया ही दिया है। एक नगर वधु, एक वेश्या, एक तवायफ, वो क्या प्रश्न करती है, सुनिए। सुनिया जी, कुसुम जी, आप सबके नजर पेश करती हूँ। वो थी एक नगर वधु जिसका प्रश्न मैं करूं, वो थी एक नगर वधु जिसका प्रश्न मैं करूं, दोहरे चरित्र पर कोई बवाल क्यों नहीं। दोहरा चरित्र, घर में एक बाहर एक, मर्द काफी बार मैंने सुना है कि उनके बड़े सारे ऑल्टर ईगोज होते हैं, अलग अलग रूप, औरत भी, मैं किसी एक को ब्रांड नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे भाव कुछ मेरी बहनों की तरफ झुके हुए हैं। तो वो थी एक नगर वधु जिसका प्रश्न मैं करूं, दोहरे समा दोहरे चरित्र पर कोई बवाल क्यों नहीं, पेट की भूख पर बिक गई मैं मगर, पेट की भूख पर बिक गई मैं मगर, सेठ की भूख पर कोई सवाल क्यों नहीं। वो थी एक नगर वधु, मैं समंदर बनी शहर के मैल का, मेरे कारण पवित्र घर की तुलसी रही। मेरे शब्दों में मेरे भावों को समझने का प्रयास करें। मैं समंदर बनी शहर के मैल का, मेरे कारण पवित्र घर की तुलसी रही, सारे पापी तो खुल के रहे अपने घर, और मैं गंगा सी पापों में झुलसी रही, और मैं गंगा सी पापों में झुलसी रही। जो मैं मनुष्यता का अधिकार मांग बैठूं, जो मैं मनुष्यता का अधिकार मांग बैठूं, समय समाज को मेरा ख्याल क्यों नहीं, दोहरे चरित्र पर कोई बवाल क्यों नहीं, सेठ की भूख पर कोई सवाल क्यों नहीं, दोहरे चरित्र पर कोई बवाल क्यों नहीं। और आखिरी में, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत हम में से हैं जिन्होंने बचपन में, हम कहते हैं इसे चाइल्ड अब्यूज, भुगता होगा, मैंने भी भुगता है, आज तक कहने की हिम्मत नहीं हुई, आज कह सकती हूँ, नाउ इट कैन बी सेड, बिकॉज ना कहा जाना अन्याय सहना करने वाले से ज़्यादा पापी बनता है। तो उस भाव को याद करते हुए मैंने ये आखिरी क्षण लिखा है आपके समक्ष। कुछ कुछ समस्याएं उभारने की कोशिश की है, यूं तो हजारों लाखों हैं, किस किस को बोले हम, लेकिन जितना बन पाया। रुकते हिचकिचाते माँ से बोली बेटी एक, कहनी है बात पर ये जुबां फिसलती है। हमारे संस्कृति, हमारे संस्कार कुछ ऐसे हैं कि हमें हमसे बोलते भी नहीं बनता जो हम पे अन्याय हो। रुकते हिचकिचाते माँ से बोली बेटी एक, कहनी है बात पर ये जुबां फिसलती है। रोज स्कूल जाते हुए छेड़े हैं गली के छोरे, मुझे उस नीचता की हर बात खलती है। कभी छेड़े कभी छुए गंदे गीत गाए मुए, क्या ऐसे ही डर मर जिंदगी ये चलती है। कहो मम्मा क्या करूं मैं, कैसे शान से रहूं मैं, सर उठा के चलना क्या लड़की की गलती है। माँ
मैं माँ को यहाँ दर्शा रही हूँ, हमारे समाज को, जो हमें सिखाता है हमें कैसे रहना है। चुप रहो, उसी में तुम्हारी भलाई है। ऐसे कपड़े पहनो, वो नहीं जिसकी आंखें बुरी हो, नहीं, कपड़े बुराई तुम्हारे में है, तुम बुरी बनोगी तो समाज तुम्हें वैसा ही देगा। ये माँ की शिक्षा है। कभी कभी मुझे मन कर इच्छा होती है प्रश्न करने का, मैं आप पर छोड़ती हूँ कि क्या किया जाए। आइए सुनते हैं। मुस्काई माँ सयानी, बोली सुन मेरी रानी, चौखट के बाहर का यही सत्कार है। घर से बाहर यही होता है। मुस्काई माँ सयानी, बोली सुन मेरी रानी, चौखट के बाहर का यही सत्कार है। घर में तेरी सुरक्षा, बाहर है तेरे भक्षा, अपने समाज का तो यही व्यवहार है। अकेले बाहर न जाना, नजरे न तू उठाना, फेर ले निगाह चाहे जैसा चित्कार है। जो भी कोई चीखे चंपे जो भी करे, आप चुपचाप आओ घर से, जाओ घर से, ये हमें शिक्षा मिली है। कभी एक बार किसी ने मुझे हमारे परिवार में, समाज में नहीं कहा है कि जवाब दो, उठाओ हाथ, सिखाया होता। आज मैं सिखाना चाहती हूँ अपनी बेटियों से, उठाओ, क्या फर्क पड़ता है, क्या जाएगा तुम्हारा, जो जाना तो वो जा चुका है, तुम्हें कोई बोल दे आवाज तुम बुढ़ नहीं पा रही हो, इससे बड़ा अपमान क्या है। मुस्काई माँ सयानी, बोली सुन मेरी रानी, चौखट से बाहर का यही सत्कार है। घर में तेरी सुरक्षा, बाहर है तेरे भक्षा, अपने समाज का तो यही दुराचार है। अकेले बाहर न जाना, नजरे न तू उठाना, फेर ले निगाह जैसे चाहे जैसा चित्कार है। जिसके भी रंग ढंग बेढंग बने तो जानो, सड़क के भेड़ियों का वही आहार है। तो माँ कहती है घर में तुम्हारी सुरक्षा है, घर रहो, जब जितना हो सके बाहर मत जाओ। बात सुन के बेटी क्या कहती है, घर की सुरक्षा कोट अनकोट के ऊपर। बात सुन बेटी बोली, नहीं माँ गलत है तू, बात सुन बेटी बोली, नहीं माँ गलत है तू, घर की मीनारों को भी हिफाजत चाहिए। बात सुन बेटी बोली, नहीं माँ गलत है तू, घर की मीनारों को भी हिफाजत चाहिए। कमी नहीं भेड़ियों की घर के सीमाओं में भी, बस बंद खिड़की में बगावत चाहिए। बात सुन बेटी बोली, नहीं माँ गलत है तू, घर की मीनारों को भी हिफाजत चाहिए। कमी नहीं भेड़ियों की घर के सीमाओं में भी, बस बंद खिड़की में बगावत चाहिए। अपने ही अंकल से कितनी परेशान हूँ मैं, खुद को बचा सकूँ वो हिमाकत चाहिए। और कह दूं दुनिया भर से ये बात अभी, दे माँ मुझे आज तेरी इजाजत चाहिए। दे माँ मुझे आज तेरी इजाजत चाहिए, दे माँ मुझे आज तेरी इजाजत चाहिए। दोस्तों, मैं माँ का जवाब आपको कहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वही है जो हर माँ कहती है, लेकिन मैं आपको ये प्रश्न देकर जानना चाहती हूँ कि अगर आपकी बेटी, आपकी भतीजी, आपकी बहन, जो भी आपके घर में जो कल थोड़ा सा कल वल्नरेबल है इन बातों के लिए, आपसे ये सवाल करें तो आप क्या कहेंगे, क्या करेंगे, आपसे मैं जानना चाहूँगी। तो अंत में एक चार लाइनों के साथ मैं थैंक यू करना चाहूँगी। कौन हूँ मैं, मेरी लेखनी क्या कहती है। मैं निंदा हूँ उन गलियों की, जहाँ लोग करें बातें खोटे, शर्मिंदा हूँ उन शहरों पर, जहां सोच अभी तक है छोटे। दहशत वहशत की, दहशत वहशत की वो काली सयाह भूख, मैं चिंता हूं उस माथे की। मैं लास्ट लाइन को आपको फिर, ये बहुत खूबसूरत है जो कट गया है, तो एक मिनट ऐसा। मैं निंदा हूँ उन गलियों की, जहाँ लोग करें बातें खोटे, मैं शर्मिंदा हूँ उन शहरों पर, जहाँ सोच अभी तक है छोटे। दहशत वहशत को पनाह देती वो दरिंदगी की सयाह भूख,
मैं चिंता हूँ उस माथे की जब रात बेटी घर ना लौटे। मैं चिंता हूँ उस माथे की जब रात बेटी घर ना लौटे। मैं चिंता हूँ उस माथे की जब रात बेटी घर ना लौटे। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। मुझे शायद ही उनके लिए कुछ कहने की आवश्यकता पड़ेगी, वो तो जग जाहिर है यहाँ पर, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज उन्हें सुनने का मौका मिला। थैंक्स टू विश्व हिंदी ज्योति और अनिल।